हेलो दोस्तों, टेक यूबीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो यूपी गवर्नमेंट जो मोबाइल टैबलेट के लिए ई केवाईसी हो रहा है, ई केवाईसी कैसे करना है और जिस स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम दिख रहा है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीजी शक्ति पोर्टल से ई केवाईसी कैसे करते हैं इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों। दोस्तों जब आप अपने गूगल क्रोम में डीजी शक्ति यूपी डॉट इन टाइप करेंगे तो आपको इंटरफेस आएगा ई केवाईसी का, आधार ई केवाईसी। तो उसमें सबसे पहला जो आपको डिटेल्स सर्च स्टूडेंट डिटेल में आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, फिर दूसरे नंबर पे कॉलेज, एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा फिल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन स्टेटस में आपका आधार ई केवाईसी स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा। इसको कैसे आप केवाईसी वेरीफाइड करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ई प्रमाण मेरी पहचान डॉट जी ओ वी डॉट इन पर लॉग इन करेंगे दोस्तों और साइन अप फॉर ई प्रमाण पर ऑथेंटिकेशन सर्विस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो आधार से लिंक है, उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका तो मोबाइल नंबर फिल करता हूँ दोस्तों। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी चला गया होगा आपके मोबाइल पे, जो मैंने नंबर फिल किया उस पर ओटीपी आ गया। अब इसको फिल करेंगे और वेरीफाइड कर देंगे। वेरीफाइड हो गया। अब गिवन नेम में स्टूडेंट नेम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे चाहे आप जो भी हैं, फीमेल मेल, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया दोस्तों। इसके बाद पर्सनल मैसेज में आप अपने फादर नेम लिख दीजिए। आप पर्सनल मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे उनके फादर नेम को लिख रहा हूँ। यूज़र नेम में आप अपने नाम से यूज़र नेम बनाइए, जिसमें इस स्टूडेंट का यूज़र नेम उसके नाम से बना रहा हूँ तो अवेलेबल दिखाएगा तो ओके है, अगर नहीं दिखाएगा तो कुछ और उसमें फिल करके देखिए। यूज़र नेम अवेलेबल है तो इसको ले लेंगे। पासवर्ड अपने अनुसार आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल करके, एट द रेट लगा के कुछ भी डिजिट लिख दीजिए। आपका पासवर्ड वो याद रहना चाहिए दोस्तों, ये हमेशा काम करेगा। ऐसा पासवर्ड बनाएं जो हमेशा याद रहे आपको। और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करेंगे। एक बार डिटेल अपना सब मिला लेंगे दोस्तों कि सब करेक्ट है। उसके बाद जैसा कि मैं मिला चुका हूँ आप देख रहे हैं, और साइन अप पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जो यूज़र नेम उसको नोट कर लेंगे कहीं, ये मेरा हो चुका है साइन अप, ये देख रहे हैं दोस्तों। कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा
जो ई प्रमाण मेरी पहचान डॉट जी ओ वी पर मैंने इसको रजिस्टर्ड कर दिया। अब इसके बाद आप अपने डिजी शक्ति पे आएंगे पोर्टल पे, डिजी शक्ति डॉट यूपी डॉट इन पे पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है तो वेरीफाई थ्रू द लॉग इन यूजिंग, इस पर क्लिक करेंगे और आधार नंबर अपना यहाँ पे फिल करेंगे दोस्तों। आधार नंबर फिल करने के बाद आप चूज़ ओटीपी मीडियम दे सकते हैं, मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे ऊपर देख रहे हैं एग्री, तो वहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर दोबारा आधार नंबर फिल करता हूँ दोस्तों। कैप्चा फिल करेंगे, 1 × 3 3 होगा। वेरीफाई थ्रू ई के वाई सी, ओ टी पी दोस्तों मोबाइल पे 1 टाइम ओ टी पी गया होगा जो आप रजिस्टर किए हैं आपके आधार पे होगा। मैं फिल कर देता हूँ, ओ टी पी आ गया है, वेरीफाई कर देंगे। फिर दोबारा आपको ओ टी पी गया है आपके मोबाइल नंबर पे। और वेरीफाई क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सक्सेस हो गया। अब अपने डिजी शक्ति पे फिर एक बार लॉगिन करेंगे दोस्तों, सर्च करेंगे। इसको लॉग आउट कर देते हैं। दोबारा सर्च करेंगे डिजी शक्ति, जो पहला डिजी शक्ति यूपी डॉट है उस पर क्लिक करेंगे। मेरी पहचान माध्यम ई के वाई सी करेंगे और यूनिवर्सिटी अपना सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर ध्यान से भरें दोस्तों, इसमें मिस्टेक अगर हो जाएगा तो आपका डाटा नहीं शो करेगा। अब देखिए मैंने जिनका के वाई सी किया है दोस्तों और मैंने कैप्चा फिल कर दिया है और सर्च करेंगे, कैप्चा दोबारा फिल करता हूँ और यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे दोबारा से। सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों ये मेरा आधार ई के वाई सी स्टेटस अब वेरीफाइड दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरह आप अपना भी केवाईसी कर सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा जिनका और जिन स्टूडेंट का डिजी शक्ति पे लॉगिन करने पे नो रिकवर फाउंड का स्टेटस दिखा रहा है, पहले चेक करते हैं दोस्तों। ये मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंटों का कॉलेज से मिला था, तो आप देख सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का एक चेक करता हूँ कि क्या स्टेटस दिखाता है। आप देखिए दोस्तों मैं डीजी शक्ति यूपी डॉट इन पे जो पहला पोर्टल आएगा उस पर क्लिक करूँगा और मेरी पहचान माध्यम से ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे दोस्तों। आप अपने मोबाइल में पहला ऑप्शन यूनिवर्सिटी का है तो अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे ये लिस्ट में नाम है तो एनरोलमेंट नंबर मैं फिल करता हूँ। एनरोलमेंट नंबर में दोस्तों स्पेस नहीं देना है, सेम टू सेम लिखना है दोस्तों। नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है दोस्तों,
तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको नहीं मिलेगा मोबाइल या टैबलेट, उनको भी मिलेगा, जिनका भी इस लिस्ट में नाम है दोस्तों उनको भी मिलेगा। बस उनको दिक्कत ये है कि उनको अपने कॉलेज में जाकर बताना होगा कि सर मैं डिजी शक्ति पे अपना डिटेल सर्च कर रहा हूँ, तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड का आ जा रहा है। तो वो अपने फिर से आपका अपने लॉगिन आईडी से सर्च करके फिर से फीडअप फिल करेंगे। तो दोस्त